अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हना। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग माय वीडियोस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक माय न्यू डिश, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार मिर्चों के पकौड़े बनाऊंगी, वो भी अपने मॉम के स्टाइल से। ये देखिए, मैंने हरी मिर्चें ली हैं लंबी साफ सुथरी देखकर, और ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। 200 ग्राम बेसन लिए, 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा लिया है पिसावा, 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का नहीं, सिर्फ हम लहसुन का पेस्ट लेंगे। 50 ग्राम हमने गाढ़ा इमली का रस निकाल लिया है, ये देखें कितना थिक है, ऐसा ही होना चाहिए। 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, 1 टीस्पून सॉल्ट लिए, और ये 1/4 टीस्पून सोडा लिया है, मतलब आधे से भी कम हम थोड़ा सा सोडा लेंगे। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मिर्चों में से हम बीच में से कट लगाकर बीज निकाल लेंगे। बड़ी मिर्चें ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, हम बड़ी मिर्चें इसलिए लिए, ये तेज़ नहीं होती खाने में, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, उनकी फरमाइश पे बना रही थी तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लूँ। अब इसी तरह हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे बीच में से कट करके। वैसे इसमें बड़ी मिर्चों में ना ज़्यादा बीज भी नहीं होते, आप देख सकते हैं इसमें से ज़्यादा बीज नहीं निकल रहे। ये देखें, ये हमने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल लिए बीच में से कट कर कर। अब हम बेसन की तैयारी करेंगे, के बेसन में स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ये सोडा चलेगी हमारा, और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, ये सारे स्पाइसेस हमारे चले गए। अब हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट। चलिए जी, अब हम इससे मिक्स कर लेते हैं पानी शामिल करके, थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते जाएंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, हमने बेसन को अच्छे से घोल लिए हैं अच्छी तरीके से, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अब इसको हम साइड में कर देते हैं। अब हम मिर्चों में मसाला जो हमें भरना है उसकी तैयारी करते हैं। देखिए, हम 4 टेबल स्पून पिसावा ज़ीरा लेंगे मिर्चों में भरने के लिए। 1 टेबल स्पून चले गया, 2 टेबल स्पून चले गया, ये 3 टेबल स्पून, और ये 4 टेबल स्पून, ये 4 टेबल स्पून पिसावा ज़ीरा शामिल कर दिया। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, मतलब अदरक लहसुन का नहीं, सिर्फ इसमें लहसुन शामिल करेंगे, लहसुन का पेस्ट जाता है। और अब हम 1 टेबल स्पून, देखें ये इमली का गाढ़ा गाढ़ा रस चले गया, ये 2 टेबल स्पून, ये 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हमने इमली का गाढ़ा रस शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, हमारा मज़ेदार सा मसाला तैयार है मिर्चों का। अब देखें, हम मिर्चों में मसाला भरेंगे। देखिए, बीच से हमने थोड़ी सी मिर्च खोली, अब इसमें हमने मसाला भर लिया। ये देखें जी, ये हमारा मसाला चले गया। इसी तरह हम सारी मिर्चों में मसाला भर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये मिर्चों के पकोड़े, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इफ्तार में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिश होती है ये, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, ज़्यादातर को पसंद होती है, मतलब मुझे भी पसंद है, आई होप आप लोग को भी पसंद होगी, ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं। आप लोग मज़े मज़े की मिर्चें बनाएं और मुझे फीडबैक दीजिएगा, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है, सभी बड़े शौक से खाते हैं। देखें, इसी तरह मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया है,
देखें जी, हमने मिर्चों में मसाला भर लिया है। ये देखें जी, हमारी कढ़ाई प्री हीटेड है, मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। अब इसमें मैं एक कप ऑयल शामिल करूँगी। ये देखें जी, हमारा एक कप ऑयल चले गया। ऑयल थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम मिर्चें फ्राई करेंगे। देखें जी, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़े बबल बबल आना शुरू हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, मिर्चें तलना स्टार्ट करेंगे। मिर्चों को बेसन में डिप करेंगे। देखें, अच्छी तरह से डिप कर लें, चारों तरफ से अच्छे से बेसन लग जाए। अब हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। देखें, इसी तरह हम दूसरी भी मिर्ची लेंगे, इसको भी अच्छे से डिप कर लेंगे। देखें, अच्छी तरह से बेसन में डिप हो गई है। अब हम इसे भी कढ़ाई में शामिल करेंगे। देखें, ये हमारी दूसरी मिर्ची भी चली गई। इसी तरह से हम सारी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह से हम मिर्चों को बेसन में डिप करते जाएंगे और अब कढ़ाई में डालते जाएंगे। देखें, इसी तरह से हम सारी मिर्ची फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये हमारी मिर्ची चली गई। ये देखें जी, हमारी मिर्चें फ्राई हो रही हैं और मैंने चूल्हा मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है। देखें, हमारी मिर्चें एक तरफ से फ्राई हो जाए तो हम इसे क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, इसे पलट देंगे। ये देखिए, एक तरफ से हमारी फ्राई हो रही है। अब इसको हल्का सा, ये ना पिंक कलर आते ही, गोल्डन ब्राउन कलर आते ही हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए, अब मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ, इसको पलट देती हूँ। एक तरफ से हो गई है ये। देखिए, ये एक तरफ से हो गई थी मिर्ची, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। हर तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए, अच्छा सा इसका कलर आना चाहिए मिर्चों का। देखिए, जलने नहीं देंगे, मिर्चों को अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, हमने जो मिर्चों का बेसन भिगोया था मिर्चों के लिए, उसमें हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करे थे। उसमें हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल नहीं करा था, क्योंकि उसमें मिर्चों में लाल मिर्च पाउडर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम शामिल नहीं करेंगे। देखें, यह मिर्चें हमारी हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे, वरना ये हमारी मिर्चें जल जाएंगी अगर हम 2-3 मिनट और रखेंगे तो। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखें, अब हमने मिर्चें फ्राई करके निकाल ली हैं। अब बाकी की मिर्चें भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, बेसन में डिप करते जाएंगे, अपने ऑयल में शामिल करते जाएंगे और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए मिर्चों का, तो हम मिर्चों को निकाल लेंगे। देखें, ये हमारी मिर्चें चली गई। अब इसी तरह हम इसको भी अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए, ये मिर्चें भी हो गई हैं। अब हम इसे भी जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए, अच्छा सा कलर आ गया, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे मज़ेदार से मिर्चों के पकौड़े तैयार हैं। इफ्तार के लिए बेहतरीन है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में भी मज़ा आता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेगी। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।